देविंदर लोधी मुर्दाबाद, देविंदर लोधी मुर्दाबाद, देविंदर लोधी मुर्दाबाद, देविंदर लोधी मुर्दाबाद। मैं अपनी क्षेत्रीय जनता में सभी लोगों से अपील करता हूँ, जो मेरे पे अब तक गलती हो गई है, मैं सभी के श्री चरणों में अपना मट्टा टेक कर सभी से माफी मांगता हूँ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं और विधायकों को जनता के जबरदस्त आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान कहीं उनको जन समर्थन मिल रहा है तो कहीं उनको भारी विरोध भी झेलना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला बुलंदशहर से सामने आया है। यहाँ सियाना विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक और प्रत्याशी देवेंद्र सिंह लोधी जब जनसंपर्क करने गाँव में गए तो वहाँ कुछ लोगों ने उन्हें देखकर होटिंग करनी शुरू कर दी और शोर मचाने लगे। गांव के लोगों का आरोप है कि विधायक ने पिछले 5 साल में ना तो एक सड़क बनवाई है और ना ही कोई नल लगवाया है। दरअसल मंगलवार की देर शाम सियाना विधानसभा क्षेत्र के नगला मदारीपुर गांव में बीजेपी विधायक और प्रत्याशी देवेंद्र सिंह लोधी प्रचार और जनसंपर्क करने के लिए गांव में गए थे। उसी दौरान गांव के लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी को देखकर होटिंग करनी शुरू कर दी। आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक गांव में आते हैं और जनता का काम करते हैं, लेकिन बीते 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाँव के राधेश्याम ने बताया कि हम लोग पिछले 5 साल से विधायक के इंतजार में थे। कई बार गाँव के नाले सड़क नल के लिए हमने कहा था, मगर कोई भी पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ और अब वोट न्याय है तो हमने इनका विरोध किया है। तो वहीं इस बारे में भाजपा प्रत्याशी वर्तमान विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि यह क्षेत्र की जनता है, यह मुझे डांटेगी भी और पूछेगी भी, मैं इनकी मान लूंगा। मेरे क्षेत्र के वोट किसी और को नहीं केवल मुझे ही मिलेंगे, यह सब मेरे साथ है। घर परिवार में तो थोड़ी सी कहा सुनी हो जाती है, मैं इनकी नाराजगी जल्द दूर कर दूंगा। और साथ ही विधायक ने एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से माफी भी मांगी है और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने का वादा भी किया है। मैं साना विधायक देवेंद्र सिंह लोधी, मैं अपनी क्षेत्रीय जनता में सभी लोगों से अपील करता हूँ, जो मेरे पे अब तक गलती हो गई है, मैं सभी के श्री चरणों में अपना मट्टा टेक कर सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आगे भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद।